नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एएससी हाईकोर्ट की जो आपकी वैकेंसी आई है ग्रुप सी और डी के, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं यहां पर आपको बताऊंगा। फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी मैं एक वीडियो बनाया हूं पूरे डिटेल में कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप इसी परीक्षा प्लस आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप फॉर्म फिलिंग डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो। ये है आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आप सेलेक्ट होते हो, आपकी इनकम कितनी होगी, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, क्या वर्कलोड रहेगा, ये सब चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। और ये ग्रुप सी का है, इसी प्रकार से ग्रुप डी के जो पोस्ट हैं उनको भी बता दूंगा कि उनमें क्या जॉब प्रोफाइल होता है, उनमें क्या वर्किंग होता है, क्या सैलरी आपको इन हैंड मिलती है, कितनी सैलरी आपकी बनती है। तो जो बच्चे हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी की तैयारी करना चाहते हैं टीम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है और समय मात्र ये 40 से 50 दिन आपको देता है। तो जिन्हें भी जुड़ना है आप फटाफट आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करेंगे, कहां से? प्ले स्टोर से, वहां से आप जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स में जाइएगा। अभी इसकी जो प्राइस है वो 599 है, लेकिन अभी ऑफर दिया जा रहा है इसमें टोटल आपको ये कोर्स 599 में, आप कोड लगाएंगे AHC 100 तो ये आपको 499 को मिलेगा। तो ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। इसमें आपको वीओडी क्लास, नोट्स और लाइव क्लास दोनों आपको दी जा रही हैं। तो अगर आपको 6 महीने के अंदर नौकरी चाहिए तो आप जुट जाइए, पूरी टीम आपके साथ मेहनत करेगी और आपको उससे दुगने एक तरफ मेहनत करना है, दुगना से 3 गुना 4 गुना जो भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना है। फिर अब आगे हम आते हैं कि आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर दें कि भैया कि क्या क्या आपको करना होगा जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे। ग्रुप सी में 2 पद हैं, एक आपका जूनियर असिस्टेंट का है, एक आपका पेड अप्रेंटिस का है। तो मैं बता देना कि सबसे पहले जब फॉर्म फिल करिएगा ना तो आप लोग जूनियर असिस्टेंट को पहले प्रायोरिटी में रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि इनकी सैलरी भी अच्छी होती है और प्रमोशन भी समय समय पर इंक्रीमेंट भी मिलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो ग्रेड पे जो है अगर हम बात करें तो 2000 ग्रेड पे का है और जो पे मैट्रिक्स इनका है वो रेंज है 5200 से लेकर 20200। जो बेसिक सैलरी इनकी बनती है वो 21700 बनती है बेसिक सैलरी। अब इस पे इस समय यूपी में आपका जो डीए है वो 50% है, तो 50% का अगर इसका देखोगे तो 10850 रुपए डीए आपको मिलेगा। उसके बाद से आप किसी शहर में रहते हैं, शहर में अगर जैसे इसकी वैरी करती है 2000 से लेकर 2400 तक आपको एचआरए मिलता है, हाउस अलाउंसेस मिलता है। तो अगर शहर की हम बात करें तो 2400 रुपए आपको यहां पर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। उस टोटल सैलरी आपकी बनेगी 34950 रुपए। अब 34950 में आपका डिडक्शन होता है पेंशन वाला, जिसमें आपका बेसिक का और डीए मिला के दोनों का मिला के 10% डिडक्ट होता है, तो 3255 रुपए आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इन हैंड सैलरी आपकी 31695 रुपए बनेगी। जब आप एकदम प्रोविजन ओविजन पीरियड आपका खत्म होता है तो आपको इतने सैलरी आपको मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलाउंसेस अलाउंसेस के बाद मिलती है, प्रोविजन खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट उससे पहले आपको 27-28 हजार का सैलरी मिलेगा। तो ये चीजें हैं, आपको प्रोविजन के बाद इतनी इनहैंड सैलरी मिलेगी, तब तक डीए और बढ़ जाएगा तो सैलरी और बढ़ जाएगी। तो ये आपका हो गया जूनियर असिस्टेंट की सैलरी। अब इसके बाद हम पेड अप्रेंटिस की देखें तो इनका जो ग्रेड पे है 1900 का है, रेंज तो इनका यही है सेम जो आपका जूनियर असिस्टेंट का, लेकिन बेसिक जो इनका होता है 19900 होता है। इस पे 50% 9950 आपका डीए बनेगा, 2400 मान लो एचआरए मिलता है, 32250 इनकी सैलरी बनेगी, आपको डिडक्ट 2985 रुपया होगा और टोटल इनका हैंड सैलरी जो मिलेगा 29265 रुपया मिलता है जब ये प्रोविजन पीरियड अपना कंप्लीट कर लेते हैं। उसके पहले इनको 25-30 हजार आसपास जब ये प्रोविजन पीरियड पे रहते हैं तो ये मिलती है सैलरी। तो अगर हम बात करें कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि ट्रेड अप्रेंटिस मत, क्योंकि कई बार आप लोग जब प्रिफरेंस आप गड़बड़ भर देते हो ना तो ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी आपको पेड अप्रेंटिस मिल जाता है, फिर दिक्कत होती है, क्योंकि यहां पर फिर प्रमोशन आप जूनियर असिस्टेंट पे ही बन के जाओगे। ठीक है, तो वो भी उसमें भी 2-3 साल लग जाते हैं, तो ऐसे आगे बढ़ना होता है। अब जूनियर असिस्टेंट रहेंगे तो आपको समय समय पर इंक्रीमेंट भी मिलता रहेगा, अच्छा ग्रोथ भी रहेगा, ये सब चीजें हैं, तो वो चीजें ध्यान रखिएगा। वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, जूनियर असिस्टेंट के सहायक के लिए पेड अप्रेंटिस को रखा जाता है,
कि जब ये पूरी उनकी सहायता करेंगे और इनको एज अ ट्रेनिंग अप्रेंटिस का मतलब ही हो गया, समझ लो ट्रेनिंग। अब विभाग कौन कौन से होते हैं, डिपार्टमेंट आपके जैसे नजायज विभाग है, रिहाई आदेश थाना का सूचना देना, प्रतिलिपि विभाग है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी देना। जैसे मान लो यहां पर जो आपका इस विभाग में जो रहेगा तो जो भी किसी का रिहाई है, कैदी की रिहाई है, उसका जो आदेश है थाना को सूचना देना है कि भैया कैदी को लेकर आओ, न्यायालय में लेकर जाओ, ये सब चीजें काम होती है। प्रतिलिपि विभाग में जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी कैदियों के, ठीक है, कैदी है या जिस पर केसेस चल रहे हैं, तो फिलहाल उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी जो होता है किसको सौंपना, वकीलों को सौंपना, जज तक लेके जाकर देना उनको, ये सब काम इनका प्रतिलिपि विभाग का। प्रशासनिक कार्यालयों में फाइलों का काम होता है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट होता है उसमें फाइल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है, ये सब चीजें कार्य होते हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी में पोस्टिंग संबंधित डिटेल ट्रांसफर करना, इस विभाग में जाएंगे तो लोगों की पोस्टिंग कहां करना है, ट्रांसफर क्या करना है, इन सब का आपका लेखा जोखा करना होगा। रजिस्टर रूम में सिविल और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखना होता है। लेखा अनुभाग में सैलरी संबंधित कार्य होगा और न्यायालय में सुनवाई का जब कार्य होगा तो उस समय आप वहां पर बैठे रहेंगे और जो भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना होगा वो आप बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके इतने विभाग होते हैं। अब कार्य में अगर हम बात करें तो बेसिकली कार्य क्या है, सुनवाई को देखना, सुनवाई देखोगे, वारंट जारी करना, मान लो किसी के लिए कोई क्रिमिनल है चाहे किसी के लिए भी अगर सुनवाई के लिए आदेश वारंट जारी होता है ना, तो वो चीजें गिरफ्तारी का वारंट हो गया, इन सब चीजों का कार्य इनको करना होता है। रिकॉर्ड रूम का जिम्मा जो होता है, जो रिकॉर्ड आपको बनाना है पूरे कोर्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ कार्यभार आपके ऊपर ही होता है। मतलब एक तरह से क्लर्कियल लेवल के जितने भी कार्य हैं आपको जिस भी विभाग में जाओगे उस विभाग के अकॉर्डिंग करना है। मान लो आप सैलरी वाले में चले गए तो लोगों की सैलरी देखनी है, फिर आप पोस्टिंग वाले में चले गए, पोस्टिंग करना, उनका ट्रांसफर करना, ये सब कार्य देखना हो गया। न्यायालय में आपकी नियुक्ति हो गई, ठीक है, तो न्यायालय में जहां सुनवाई होती तो वहां सुनवाई से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। पोस्टिंग कहां मिलती है, सबसे बड़ी बात यहां पर यह, एक ऐसा अगर हम बात करें हाई कोर्ट ऐसा आपका विभाग है कि जो पोस्टिंग आपको मोस्टली चांसेस रहता है, आपके नंबर अच्छे आ गए हैं, नंबर अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो आपको मोस्ट चांस होता है होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, होम डिस्ट्रिक्ट ही आपको मिलेगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अलाहाबाद का ये है तो डिस्ट्रिक्ट में कैसे पोस्टिंग, अरे भाई अलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू आप जा रहे हो, रिक्रूटमेंट वो करा रहा है, पोस्टिंग आपको डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में ही मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है वहीं पर मिलता। अब चांसेस हैं कि अगर नंबर अच्छे हैं तो आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट मिलती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो होम डिस्ट्रिक्ट आपकी पोस्टिंग मिलती है। इसके बाद से ड्रेस कोड भी कुछ इसका होता है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक टाई या ब्लैक शूज आप ब्लैक, ये एक बनाया गया है, जानते ही हो कि न्यायालय का ड्रेस कोड होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको भी फॉलो करना है। छुट्टियां कितनी मिलती हैं, तो भैया सेकेंड सैटरडे तो आपका संडे की छुट्टी तो रहती ही रहती है, सेकेंड सैटरडे फोर्थ संडे सैटरडे की भी छुट्टियां इंक्लूड है, लेकिन हाँ कभी कभी अगर वर्कलोड ज्यादा है तो आपको ये बुला लिया जाता है, बाद में ये छुट्टी मैनेज कर ली जाती है, ठीक है, बाद में आपको ये छुट्टी दे दी जाती है। समर वेकेशन और विंटर वेकेशन की बात करें तो समर वेकेशन में आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है, क्योंकि न्यायालय बंद रहता है समर में, टोटल एक महीना की बंदी होती है, तो एक महीना के बंद में आपको 10 दिन, जैसे क्या होता है मान लो आप किसी विभाग में है तो आपके जितने भी उस विभाग में लोग रहेंगे 10-10 दिन के अंतराल पर जाते रहेंगे, मान लो आप 10 दिन पे चले गए, फिर आपका दोस्त 10 दिन पे चला गया, आप आए तो वो चला गया, तो ऐसे करके मतलब टोटल 30 दिन का बंद होता है, तो ऐसे लोग मैनेज करते हैं, कोई ना कोई रहता है कार्य करने के लिए, अगर काम पूरा हो जाता है सही सही समय पर, जैसे ये भी देखिए कोई जरूरी नहीं है अगर वर्क ज्यादा है तो वर्क खत्म होने के बाद ही आप 10 दिन के लिए छुट्टी पर जा सकते हैं। फिर विंटर वेकेशन में भी यही होता है, 7 दिन आपको मैक्सिमम मिलता ही मिलता है, बाकी आपके 30 दिन आपके जो होते हैं ओवरऑल साल भर की छुट्टियां होती हैं। मेडिकल पूरे सर्विस में आप मेडिकल 365 दिन ले सकते हो, पूरे सर्विस में 365 दिन का मेडिकल का लीव होता है, ये आपका छुट्टियां हो गई। अब अगर हम बात करें प्रमोशंस की तो प्रमोशन आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, एक होता है सीनियरिटी बेसिस पर। 5 ईयर के सर्विस पर आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, आप उसको देकर उसके अकॉर्डिंग आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। सीनियरिटी बेसिस 5-10 ऐसे सर्विस आपका जैसे होगा उसी अकॉर्डिंग आप फिर से आगे बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहले प्रमोशन जूनियर असिस्टेंट 2000 ग्रेड पे है, सीनियर असिस्टेंट 2800 ग्रेड पे बनोगे, फिर 4200 ग्रेड पे का बनोगे। इसके बाद से आपका 4600 ग्रेड पे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। अब कुछ बच्चों का होता है सर क्या हम आरओ बन सकते हैं, इससे आरओ बन सकते हैं,
भैया देखो आरओ बनने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा, उसी के थ्रू आप, और उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा उसी के थ्रू आप आरओ बन सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ऐसे सोचो कि प्रमोशन से नहीं, डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप आरओ बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके प्रमोशन के बाद, अब पेड अप्रेंटिस की बात करें तो पेड अप्रेंटिस का जो प्रमोशन होगा ना, तो पहले 1900 से 2000 पे आएगा, 1900 ग्रेड पे से जो पेड अप्रेंटिस होंगे वो आपके यहां से 2000 आएंगे, फिर इस लूप को फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से अगर हम मैं बात करूं तो जूनियर असिस्टेंट का मैंने पूरा ब्यूरो आपको दे दिया कि कार्य क्या रहेगा, आपकी सैलरी क्या रहेगी, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया एक छोटे से वीडियो में, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। और जिन्हें भी अभी मैं बता रहा हूं कि कोर्स से जुड़ना है, अभी ऑफर चल रहा है, ASC100 कोड लगाओगे आपको 499 में ग्रुप सी और डी का बैच मिल जाएगा, जो लाइव हो चुका है, क्लासेस भी इसकी चल रही है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी जा रही और पूरा संपूर्ण नोट्स भी दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी जुड़ना है परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर ले, वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी आपके दिमाग में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में बताइए, किसी भी प्रोफाइल के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे। ग्रुप डी का भी हम बना देंगे, काफी एक डिमांडिंग पोस्ट होता है प्रोसेस सर्वर का, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल बता देंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।